सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे देखा जी केजरीवाल जी है जो ठेका प्रथा खत्म करने के नाम पे आए थे कि जो ठेकेदारी प्रथा खत्म करवा और जो दिल्ली के 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उनको पक्का करवा, लेकिन ये तो उसी ठेकेदार के साथ ही हो गए हैं। अब जो कैट्स एम्बुलेंस है जो नो लॉस और नो प्रॉफिट सर्विस है इसमें, और तो उन्होंने लेकिन यहाँ पे भी ठेकेदारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी कैबिनेट से इसको पीपीपी मॉडल पे पास करवाया, अगर कैबिनेट से पास नहीं होती तो ये इसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं आ पाती। और 3 साल बर्बादी झेलने के बाद भी एक नई कंपनी को लेकर आए हैं जीवीके आइमरी, और उसने भी सारी अव्यवस्थाएँ फैला रखी हैं। जो पुरानी कंपनी है जो उसके स्टाफ की सैलरी लेके बाकी है, ईपीएपीएसआई का सारा का इशू है। पिछले 1 जुलाई से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 21 अगस्त से हमारी यहाँ पे भूख हड़ताल है और अनशन हमारा जारी है। ये सिर्फ इस विरोध में है कि केजरीवाल सरकार जी जो वादा कर रहे थे कि इमरजेंसी सर्विस, हेल्थ और एजुकेशन, जो उनका 49 दिनों की सरकार के दौरान जो एक वादा था, मैनिफेस्टो का वादा था कि इमरजेंसी सर्विस जो है, हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों में प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, तो इन्होंने आते ही सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन की स्टार्ट की कैट्स एम्बुलेंस में। पिछले 3 साल में जो कंपनी काम कर रही थी इस डिपार्टमेंट में, वो 30 जून को उसका टेंडर ख़त्म हो चुका और वो 3 महीने का कर्मचारियों का बकाया वेतन, जो भी 3 महीने का एम्प्लॉय का वेतन था, वो लेके यहाँ से जा चुकी। 1 जुलाई से दूसरी कंपनी आई है। दूसरी कंपनी ने हमारे ड्यूटी आवर जो हमारे होते थे महीने में 18 से 20 ड्यूटियाँ पड़ती थी, उसकी बजाय उसने ड्यूटी कर दी 30, और जो हमारी सैलरी थी उसको सैलरी को कर दिया कम, और उस हमारा जो पीएफ वगैरह वो जो मिलता था हर चीज़ें उसने कम कर दी। तो इस चीज़ के अगेंस्ट में और मेनली हम प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि पिछले 3 साल में हमने सरकार को और तमाम जो प्रशासन है उनको हमने अवगत कराया है कि प्राइवेटाइजेशन कैट्स एम्बुलेंस सर्विस या इमरजेंसी सर्विस के लिए कहीं पे भी ठीक नहीं है। वजह इसकी यह है कि ये एक गरीब जनता के लिए फ्री सर्विस है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट गेन का काम नहीं है। कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी ठेकेदार आता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो पब्लिक सर्विस के लिए काम नहीं करता है। मेन 2 ही डिमांड है हमारी, हमारा 3 महीने का वेतन, और जो मेन मुख्य मांग जो हमारी है वो कैट्स डिपार्टमेंट से निजीकरण हटाने का, क्योंकि निजीकरण होने से ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट को सर्विस देने में भी और एम्प्लॉय को अपनी ड्यूटी करने पर भी। हम लोगों का शोषण भी किया जाता है, सैलरी जो हमारी बनती है वो भी नहीं दी जाती है, पेशेंट को जो केयर मिलनी चाहिए, गाड़ियों में जो सामान होना चाहिए वो भी अच्छी तरीके से, अच्छी सही क्वालिटी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। हम यहाँ पे जो अनशन पे 3 अनशन पे बैठे हैं और 8 कर्मचारी हमारे भूख हड़ताल पर हैं, और ये हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारा जो 3 महीने का पहला वेतन है वो कंपनी लेके चली गई है, उसको देने के लिए गवर्नमेंट भी नकार रही है, उसके बोला भी है, आगे बोला है तो उसका कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, और यहाँ पे इतने दिन से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, और अगर नहीं सुनेंगे तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। शोषण हमारा ये होता है कि हमारी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है, मैं फ़ीमेल स्टाफ हूँ, अगर नाइट में मेरी कॉल आ जाएगी 7-7:30 बजे तो मुझे उस कॉल पे जाना ही जाना है। हमारी मैनेजर से भी बात होगी तो वो यही कहेंगे कि आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। बट अगर ये चीज़ गवर्नमेंट के अंडर होगी तो गवर्नमेंट समझेगी कि फ़ीमेल्स की क्या परेशानी है। एक बेस पर अगर 10 गाड़ी है, एक गाड़ी पर 2 स्टाफ होते हैं, अगर एक बेस पर 10 गाड़ी है, अकेली फ़ीमेल स्टाफ वहाँ पर है, तो 9 मेल के बीच में हमें एडजस्ट करके रहना पड़ता है। वहाँ पर हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है कि तुम्हारे लिए रेस्ट रूम अलग है या तुम्हारे लिए वॉशरूम अलग, कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। बट अगर ये फीमेल, अगर ये गवर्नमेंट अपने अंडर लेगी तो इस चीज़ को सोचेगी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर रहेगा कि हाँ महिला कर्मचारी हमारे अंडर है। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट कंपनी में वो ये सोचते हैं कि जैसे मेल स्टाफ है वैसे फीमेल स्टाफ है उनके लिए, तो साथ में कॉपरेट करके चलने के लिए वो लोग बोलते हैं कि आप लोग साथ में कॉपरेट करके चलिए, ना कि ये कि आप अलग रहिए और वो अलग रहिए। 30 जून से ये स्ट्राइक जो है स्टार्ट हुई और तभी से हम यहाँ सीएम हाउस के बाहर विकास भवन के सामने, जहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं,
उसके निरंतर कुछ ना कुछ हम अलग करते रहे, लगातार हम रोज धरना प्रदर्शन करते रहे, काली पट्टी बांध के भी किया हमने, अर्धरंग होकर भी हमने प्रदर्शन किया, सीएम साहब का पुतला तक भी हमने निकाला, उसकी अर्थी वगैरह निकाली, सत्येंद्र जैन साहब की भी निकाली, और जो भी मतलब हमसे प्रयास हुए हमने किए वो अब तक करते ही आ रहे हैं। दूसरा आप देख ही रहे हैं कि एम्बुलेंस की हालत आज की डेट में दिल्ली में क्या है, किस कदर चरमाई हुई है। अभी आपने पीछे देखा झिलमिल इंडस्ट्री एरिया में आग लगी थी, जहाँ कुछ फायर कर्मी भी जो है शहीद हो गए थे, वहाँ भी एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो पाई दिल्ली गवर्नमेंट की। और दिल्ली गवर्नमेंट झूठे वादे कर रही है कि नहीं एम्बुलेंस चल रही है, कहाँ चल रही हैं, जमीन पर उतर कर देखिए ना आप इस चीज़ को केजरीवाल जी, कि एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है, आपका स्टाफ सारा यहाँ बैठा हुआ है, तो एम्बुलेंस कौन चलाएगा। देखिए 30 जून 2019 से हम लोग जो है ये आंदोलन चला रहे हैं, 30 जून 2019 से जो है हम स्ट्राइक पर हैं। उससे पहले आउटसोर्स स्टाफ की जो है 2.5 से 3 महीने की सैलरी नहीं मिल पाई है, आज 59 दिन हमारे को यहाँ हो चुके हैं, यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 5 महीने से हम जो है बेरोजगार हैं, समझिए पैसे नहीं है हमारे पास, यहाँ भी खर्चे हैं, किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ पर आते हैं, तो तंगियाँ तो हैं ही, स्कूल के बच्चों की फीस, परचून का, दूध वाले का, मकान मालिक का, ये सारी समस्याएं तो हैं ही, लेकिन इन समस्याओं के चलते हम जो 59 दिनों से अपनी आवाज़ को यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं दिल्ली सरकार को जगाने के लिए, केजरीवाल जी का जो वादा था कि मैं ठेकेदारी बंद करूँगा, उनको याद दिलाने के लिए। हमारा मकसद है, हमारा जो ये आंदोलन है उस शोषण के विरुद्ध है, उन कृतियों के विरुद्ध है जो पिछले 3 सालों में हमने 2016 से 30 जून 2019 तक झेली हैं।